नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। तहसील फरीदपुर के ग्राम कीरतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखी लापरवाही। फरीदपुर बरेली ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के दुरुस्त होने का महकमा भले ही लाख दावे करे, पर सच्चाई ये है कि बेहतर उपचार के अभाव में अभी भी लोग दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खोले गए अस्पतालों में ना तो जरूरत के मुताबिक चिकित्सक हैं और ना ही वहाँ संसाधन मुहैया कराए गए हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदपुर ब्लॉक के कीरतपुर परेवा गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां हमारे संवाददाता वहां से आज लगभग 11 बजे गुजर रहे थे, तभी अस्पताल के गेट पर ताला पड़ा देखकर वहां रुके। मौके पर कुछ ग्रामीणों से स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि इस गांव के अस्पताल में ठीक से ना तो इलाज होता है और ना ही समय से डॉक्टर आते हैं। तब तक वहां स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट विनोद कुमार आ गए। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि यहां पर इस वक्त अकेला हूं और ओपीडी से लेकर सारी व्यवस्थाएं आज मैं खुद ही देखूंगा तथा बाकी सवालों के जवाब से बचते नजर आए। सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। संवाददाता रियाज अली के साथ दिलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़, हर खबर आप तक। नरेश, कहाँ रहते हो? सरकड़ा में। अच्छा, सरकड़ा में रहते हैं आप जी। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कीरतपुर का जो बना हुआ है जी, यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पर सफाई वफाई करते रहते हैं। आप गाय बंदी हुई कैलाश डॉक्टर की, कैलाश की, तो वो गाय भी खिलाते रहते हैं। नहीं, आप रात में भी रहते हो, दिन में भी रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो उनकी गाय वगैरह बंदी वो खिलाते हो? हाँ, और सफाई वफाई करते हो? हाँ जी बस। तो मतलब 24 घंटे यहीं रहते हैं लगभग? हाँ, रहते दिन भर, शाम को, रात को, दिन को यहीं रहते। क्या देते हैं डॉक्टर आपको इसका? अभी तो सर 500 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये महीना देते हैं जी? तो 500 रुपये महीने इस महंगाई में क्या करते हो आप, क्या होता है आपका? अब जो है सर, डंगर उंगर उनके बंदे पहले देते थे, हम अपने साग सब्जी अपनी जो भी अपनी थोड़ी बहुत कर खा लेते हैं इसमें। अच्छा, तो अभी 10:45 बज चुके हैं जी, तो अभी कोई डॉक्टर तो आया नहीं ना, अस्पताल खुला है, आप यहाँ अकेले हैं, तो मतलब ये ऐसा ही होता है यहाँ पे क्या? ना ना, आते हैं 10:30 बजे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए सर अभी। अच्छा, तो मतलब रात में भी आप यहीं रहते हैं? हाँ, रात को सोते हैं। भाई दबे कोई दिक्कत हो जाए यहाँ पे रात में, कोई मतलब गलत लोग घुस जाए इसमें, या कोई बाहर का व्यक्ति दबंग टाइप कोई आ जाए, कोई सामान वामान निकाल ले ताला तोड़ के, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है फिर यहाँ पे? सर हम फोन लगवाते हैं, वो घर पे खबर का फोन लगाते हैं तो घर से हमारे तुरंत बात हो जाती है। कैलाश, बात होने से तो काम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। फोन करते हैं वो लोग फिर। अच्छा, पुलिस आती है। अच्छा चलो, अब मलेरिया की जांच करनी है, कोई आ गया तो अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे, मेरा काम नहीं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि साहब हम इतना स्वास्थ्य विभाग के प्रति सचेत है, ये है वो है दुनिया भर, तो ये हमें तो लग रहा है सब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। मैन पावर नहीं है सब जगह, सबकी पोस्टिंग सब जगह, जितनी पोस्टें होनी चाहिए वो सब होगा तो सब काम होगा। नहीं, आपको राइट समय पे तो आना चाहिए अपने आप, जो 9 या 10 जो भी समय है। अरे आपका निश्चित दूर से आ रहे हैं तो कभी कभी देर हो जाती तो क्या किया जाए, अभी कोई इसका कोई एक्सक्यूज तो है नहीं। चलिए चलिए ठीक भाई, देर हो गई। अच्छा, रात में कोई व्यवस्था है मतलब देखने कोई है? नहीं है। रात में नहीं, लाइट ही नहीं रहती है, फिर यहाँ पे कैसे अंधेरे में यहाँ पे रह लिया जाए? हाँ सही बात है। हाँ, अभी थोड़ा देर यहाँ पे सांप इतने हैं, कभी कभी अंदर आ जाते हैं तो बताओ हम लोगों में दिक्कत, यहाँ पे रात में कैसे कोई रह सकता।